चलो लेट्स स्टार्ट, कैन वी स्टार्ट? ओके लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 से चालू कर रहे हैं, मैंने इसीलिए लिखा था यूट्यूब चैनल पे, आप रिवीजन करके आना, नहीं करके आए तो भी कोई बात नहीं, मैं भरपूर तरीके से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ना उसका थोड़ा ब्रेक लूंगा, तो आप जरूर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं तो समझाऊंगा ही, ओके, पर लिख भी दीजिएगा साथ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओएस, कौन सा ऑपरेटिंग, ओके सॉरी, ओके कैन वी स्टार्ट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओएस, इनमें से बाकी सब ओएस है, कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो हम ये लाइव पहली बार कर रहे हैं तो कुछ गलती हुई हो तो माफ करना और कमेंट में जरूर बताना, मुझे समझ में कम आता है। कौन सा ओएस नहीं है, यानी इसके अंदर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई एक नहीं है। देखो एंड्रॉइड तो है ही, सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंड्रॉइड इज अ ओएस, ओके, तो एंड्रॉइड तो है, तो इसको कट करेंगे, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्लैकबेरी भी है, ये भी आपको पता है, ओके। फायरफॉक्स और क्रोम के अंदर आपको डाउट होगा, ऑफ कोर्स। देखो फायरफॉक्स क्या था, पहले हुआ करता था, अब वो डिसकंटिन्यू हो गया है, एंड्रॉइड की वजह से फायरफॉक्स को बहुत कॉम्पिटिशन हुई, मोजिला वाले ने फायरफॉक्स लाया था, तो पहले वो था अब नहीं है, ओके, पर पहले था इसीलिए बुक उसको बोल रहा है कि वो ओएस है, तो कौन सा नहीं है, क्रोम। सर क्रोम क्यों नहीं है, क्रोम वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वेबसाइट को खोलने के लिए जो ब्राउजर होता है ना, गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो क्रोम क्या है, इट इज अ वेब ब्राउजर। जिनके पास नोट्स है आप लिखिएगा, ये वेब ब्राउजर है, कोई ओएस नहीं है, ओके, इट इज अ वेब ब्राउजर एंड नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही जवाब क्या है, क्रोम। फायरफॉक्स क्यों, पहले हुआ करता था, अब नहीं है, ओके, तो इसीलिए पहले हुआ करता था, इसलिए बुक बोल रहा है ये ओएस है, ओके, एक्चुअली कौन सा ओएस नहीं है, क्रोम। आई होप यू आर क्लियर विद दिस एमसीक्यू, ओके, परफेक्ट, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं, प्रशांत ध्रुव, प्रवीण, नवकार जैन, जय शर्मा, ये सब बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी नाइस फॉर ट्राइंग। हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, बने रहिए आज के इस खेल के अंदर, ओके। इन अ टू टायर आर्किटेक्चर, डैश इज अ इंटरफेस दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ ई कॉमर्स वेंडर, ओके, ई कॉमर्स वेंडर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, टू टायर के अंदर यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, कौन सा टायर है, क्या आप कुछ बताना, क्या आपको इसके बारे में पता है, कि मैं थोड़ा समझा दूं, समझा दूं कि नहीं, एक्सप्लेन लिखो अगर आपको समझना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन। ओके आई थिंक सबको आता है, एक्सप्लेन 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 एक्सप्लेन, ओके, बहुत लोगों को तो आता ही, और कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सप्लेन करो, मैं समझा देता हूं। टोटल 3 टायर होते हैं, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। देखो टोटल 4 काम है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, चारों काम अगर एक ही कंप्यूटर करे, इनपुट डालना, प्रोसेस हुआ, आउटपुट निकला और वो स्टोर हुआ, चारों एक ही जन करे तो 1 टायर होगा। ये काम अगर दो लोगों में डिवाइड हो जाए तो 2 टायर होगा। अगर यूजर और सर्वर दोनों करे, इनपुट आउटपुट कौन करेगा, यूजर, प्रोसेस कौन करेगा, क्लाइंट और सर्वर दोनों करेंगे, और स्टोरेज किधर होगा, सर्वर के अंदर। 3 टायर क्यों आया, देखो यूजर और सर्वर पे बहुत लोड आ रहा था, ओके, 2 टायर के अंदर देयर वाज लॉट ऑफ लोड, इसीलिए 3 टायर भी आया। जब 100 से ज्यादा कंप्यूटर हो ना, 100 से ज्यादा कंप्यूटर हो तो क्या आ गया, टायर, ताकि प्रोसेसिंग का लोड डिवाइड हो जाए। अब 3 टायर दुनिया में बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, मैं आपको दिखाऊं क्या थोड़ा 3 टायर के बारे में, ये देखिए, थ्री टायर के बारे में, ये रहा, ये देखिए 3 टायर के अंदर कितने लोग होते हैं, 3, ओके, क्लाइंट, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, इनपुट आउटपुट कौन करता है, क्लाइंट, प्रोसेसिंग, रूल रेगुलेशन। देखो 2 टायर में लोड क्लाइंट और सर्वर दोनों पे आ रहा था, बिकॉज कंप्यूटर 100 से ज्यादा थे, इसीलिए प्रोसेसिंग के लिए हमने एक नया बच्चा पैदा किया, नाम क्या है, एप्लीकेशन सर्वर, प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ये करेगा, और डेटा किधर स्टोर होगा, डेटाबेस सर्वर के
अंदर स्टोर होगा. तो इनपुट आउटपुट के लिए कौन है? क्लाइंट, जिसको हम प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. प्रोसेसिंग रूल रेगुलेशन के लिए बिजनेस लॉजिक, ओके, या फिर एप्लीकेशन सर्वर. और डेटा किधर स्टोर होगा? डेटाबेस सर्वर. ये थ्री टायर बेस्ट है बिकॉज तीन काम और तीन लोग, तो सबसे उचित कौन सा होगा? थ्री टायर. ओके, पर अब हम सवाल पे आ रहे हैं, मुझे थोड़ा समझाना था. ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन. इन अ टू टायर डैश अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद ई कॉमर्स. यूजर किसके साथ इंटरेक्ट करता है? देखो, मैं यूजर हूं ना, तो मैं क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करूंगा. क्लाइंट यानी कौन सा टायर? प्रेजेंटेशन टायर. आर यू क्लियर? पक्का? देखो, टू टायर में होते ही दो टायर है, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस. तो ये दोनों तो ऐसे ही कट हो गए. पक्का? ओके, तो प्रेजेंटेशन और डेटाबेस टायर दो ही है, उसमें से यूजर किसके साथ इंटरेक्ट करता है? क्लाइंट के साथ. तो क्लाइंट कौन सा हुआ? प्रेजेंटेशन, बिकॉज वो दिखाता है ना हमें. समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. अंडरस्टूड? ओके, सो प्रेजेंटेशन टायर. नेक्स्ट है फेमा. फेमा का फुल फॉर्म पूछा है. ओके, क्या आवाज आ रही है मेरी? सब कुछ क्लियर है? नेक्स्ट है फेमा. फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. बहुत सिंपल था ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. आई होप यू आर क्लियर. थोड़ा सा लैग हो रहा है, आई थिंक सो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट नहीं था. यूपीआई, बोलो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? बहुत आसान है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. तो सही जवाब क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. फोर का कौन सा जवाब सही है? सी सही है. सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई. इसके बारे में मैं कुछ समझाऊं कि आपको आता है? कमेंट्स आना बंद हो गए हैं, आई डोंट नो चल रहा है कि नहीं. आवाज आ रहा है मेरा? ओके, आई थिंक क्लियर है. थोड़ा स्लो हो चुका था वो. आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज फाइन. या ओके, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. बी और सी, यूपीआई क्लियर है आपको? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज क्लियर. ओके, पक्का? ओके, यूपीआई के बारे में मैं कुछ समझाऊं कि आता है? बी और सी में डिफरेंस क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. ओके, नहीं, बी सही है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आएगा, एक्टिविटी नहीं आएगा. जी हाँ, आप सही थे. थ्री में बी आएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. देखो, मैनेजरियल एक्ट नाम का कोई एक्ट नहीं होता. ओके, जी हाँ, बी और सी में डिफरेंस क्या है? थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था. मैनेजरियल नाम का कोई एक्ट नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सही है. ओके, नेक्स्ट पे आ रहे हम. यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ओके, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर. ओके, बी और सी दोनों सेम है. आई डोंट नो, पता नहीं क्यों दिया है. ठीक है, आप इग्नोर करो. मैं यूपीआई के बारे में आपको कुछ समझाऊं कि आपको आता है? एक्सप्लेन करे, एक्सप्लेन यूपीआई. क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में कुछ बताऊं? फोर का बोल रहे हैं. ओके, फोर में बताता हूं. देखो, दुनिया में यूपीआई क्यों आया, कोई मुझे बता सकता है? देखो, मोबाइल वॉलेट था पहले. मोबाइल वॉलेट में प्रॉब्लम क्या था पता है? पेटीएम के अंदर, पेटीएम के अंदर आपको आपके ही पैसे ऐड करने हो ना, तो चार्ज लगता था. एज्यूम करो, पेटीएम ने 10,000 रुपए ऐड किए, 2,000 रुपए किसी को दे दिए, बचे कितने पेटीएम में? 8,000 रुपए. 8,000 आपको वापस बैंक में डालने हो ना, तो पेटीएम में चार्ज लगता था 2 या 3%. इसीलिए दुनिया में यूपीआई आया. यूपीआई क्या है? बैंक अकाउंट से कनेक्टेड ही है. एक आईडी ही बनेगा, भारत का आईडी. उसी आईडी से पैसे आएंगे, उसी आईडी से पैसे जाएंगे. तो विद द हेल्प ऑफ यूपीआई, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैंक अकाउंट. सो इट इज इजी टू सेंड द फंड एंड
रिसीव द फंड. आप किसी को भी पैसे दे भी सकते हैं और किसी को भी पैसे ले भी सकते हैं. यूपीआई से वो बहुत आसान हो चुके हैं. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. बी और सी दोनों सेम दिया है, आई डोंट नो. ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टिक लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप यू आर क्लियर. पक्का? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम. अब देखिए, यूपीआई पे आधारित बहुत सारी एप्स भी है, जैसे भीम आपने सुना होगा, वो सरकार द्वारा बनाई गई है. उसके बाद एक यस बैंक ने भी ऐप बनाई है, उसके बाद एसबीआई की भी है, बहुत सारी ऐप है. तो भीम क्या है? भारत इंटरफेस. कुछ नहीं है, ये यूपीआई पर आधारित एक मोबाइल ऐप है. तो आंसर क्या आएगा? फाइका ए आएगा. वेरी सिंपल, बहुत ही सही जवाब दिया है मिहिर ने, क्रीना ने, प्रवेश ने, राहुल ने. अद्भुत जवाब आपके द्वारा. फाइव के अंदर ए इज द करेक्ट आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलत जवाब नहीं दे रहा, परफेक्ट जा रहे. ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, प्लीज बढ़िए. अब हम आ रहे हैं सिक्स के अंदर. सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस अंडर ग्रीन कंप्यूटिंग. नॉट अ बेस्ट पूछा है, यानी बाकी सब कौन सी है? बेस्ट कोई एक नहीं है. पहले ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब आता होगा आपको. ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी रिसोर्सेज इन सच अ वे वी डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट. इस तरीके से कंप्यूटर का यूज कीजिए, सर्वर का यूज कीजिए, प्रिंटर का यूज कीजिए कि पर्यावरण को ज्यादा हार्म ना हो. कंप्यूटर यूज करो नहीं, ऐसा नहीं है. इस तरीके से करो कि ज्यादा हार्म ना हो. तो बाकी सब ग्रीन कंप्यूटिंग होगा. ओके, एनवायरमेंट के लिए अच्छा होगा. अभी जो हो रहा है ये तो बहुत अच्छा हो रहा है एनवायरमेंट के लिए. कोई बाजू रोड्स नहीं है, कुछ नहीं है, कंप्यूटर्स का कम यूज हो रहा है. ओके, तो इसमें से क्या ग्रीन कंप्यूटिंग नहीं है, ऐसा आपको बोलना है. डिस्पोज करो वेस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये तो है. डेस्कटॉप नोटबुक कंप्यूटर एनवायरमेंट के, ये भी है. सीपीयू को बंद करो ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी. व्हाट इज एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी? ब्रेक. ब्रेक के अंदर आपको सीपीयू को क्या करना है? बंद. जब आप लंच ब्रेक में जाओ, ओके, या कोई भी आप ब्रेक लो तो बंद करो, जितना पावर बचा सके उतना अच्छा है. यूज सीआरटी रादर देन एलसीडी. ओ, ये ग्रीन आईटी नहीं. देखो सीआरटी क्या होता है, वो ज्यादा मॉनिटर आता है ना, थिक मॉनिटर. ओके, कंप्यूटर पहले बड़े बड़े आते थे, पीछे से इतना बड़ा झाड़िया कंप्यूटर. तो वो कंप्यूटर झाड़िया था तो उसका बिल भी झाड़िया ही था ना. लॉट ऑफ बिल यूज टू कम. आज एकदम स्लिम कंप्यूटर्स आ चुके हैं. ओके, तो आपको एलसीडी यूज करना चाहिए, सीआरटी. एलसीडी इधर क्या बोला है? सीआरटी यूज करो, एलसीडी ना करो. तो ये ग्रीन आईटी नहीं है. ओके, कौन सा ग्रीन आईटी नहीं है? डी. ओके, बिकॉज हमें एलसीडी यूज करना चाहिए, सीआरटी नहीं. आई होप यू आर क्लियर. सिक्स में डी. यस, ओके, परफेक्ट है, बहुत ही अद्भुत आ रहा है. जीएसएम, बोलो जीएसएम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. इसका थोड़ा हिस्ट्री बताऊं मैं आपको? सर प्लीज बताओ ना. देखो पहले 1G हुआ करता था. 1G के बाद क्या आया? 2G आया. 2G के अंदर ये सिस्टम आई थी, जीएसएम सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. इट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग मोबाइल डेटा एंड वॉइस डेटा. आप आज फोन पे बात करते हो ना 2G पे, ओके, या आप इंटरनेट के अंदर 2G के अंदर बात करते हो ना, वो स्टैंडर्ड का नाम जीएसएम है. आपको याद आ रहा है पहले जीएसएम वाली सिम आती थी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. सो इट इज अ प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग वॉइस डेटा एंड इंटरनेट डेटा को यूज करने के लिए प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है वर्ल्ड ओवर जो यूज हो रहे, उसको जीएसएम बोलते हैं. दोस्तों अब जीएसएम नहीं रहा, अब तो 4G आ चुका है. ये पहले की बात थी. आई होप यू आर क्लियर. क्या आपको क्लियर है? पक्का? ओके, सिम का टाइप. जी हाँ, परफेक्ट है नीरज. महेश्वरी सर प्लीज लिटिल फास्ट. ओके, थोड़ा फास्ट जाएंगे भाई, नो प्रॉब्लम. जैसे आप बोल रहे हो वैसे परफेक्ट, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. मोबाइल कंप्यूटिंग का आप सही सीक्वेंस बताइए. ओके, तो बताते हैं. देखो मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या होता है, आपको कौन सा सीक्वेंस, मैं डायरेक्ट समझा ही दूं. सबसे पहले यूजर क्या डालता है? डेटा डालता है ऐप के अंदर. ऐप से डेटा उनके सर्वर में जाता है वेयर फाइल्स आर अपडेटेड. उनके सर्वर में गया ना, बोथ हैव सेम इंफॉर्मेशन, देन इट वर्क्स इन अदर वे. एग्जांपल लेना चाहूंगा बेहतर समझने के लिए. जब आप ओला कैब्स बुक करो ना, इस फोन के अंदर आपने अगर ओला कैब को बुक किया, मैं एक बार कर दूं क्या,
ओला, ये रहा। तो मैंने डेटा एंटर किया, ओके आई एंटर डेटा इन ऐप, ऐप से मैं एरिया लिखूंगा तो उनके सर्वर में जाएगा, ओके उनके सर्वर में फाइल्स अपडेट होगी, बाद में वो मुझे ड्राइवर का एड्रेस भेजेंगे, ओके बोथ हैव सेम इंफॉर्मेशन, उसके पास भी डिटेल है मेरे पास भी, एंड इट वर्क्स अदर वे, बाद में मुझे एसएमएस आएगा इतनी देर में ड्राइवर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, देख लेते एक बार। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, यूजर एंटर और एक्सेस डेटा यूजिंग द एप्लीकेशन, ओके ये रहा, तो ये पहला पॉइंट है। नाउ बोथ हैव सेम, ये पहला नहीं, ये थर्ड है। देन सेकंड पॉइंट ये आएगा फोर वाला, ओके यूजिंग वन ऑफ द टेक्नोलॉजी डेटा इज सेंड टू देयर साइट, उनके सर्वर में जाएगा वेयर फाइल्स आर अपडेटेड, ओके थर्ड सेकंड थर्ड पॉइंट कौन सा आएगा, बोथ हैव सेम इंफॉर्मेशन, दोनों के पास सेम है, एंड इट वर्क्स इन अदर वे, बाद में मुझे उनका एसएमएस आएगा। तो सही जवाब कौन सा है, वन फोर टू और थ्री, तो आई थिंक फोर्थ सही है, देख लो एक बार बराबर। क्या आपको समझ में आया ये वाला, क्या आपको समझ में आया, डिड यू अंडरस्टैंड, ओके सो फर्स्ट यू एंटर डेटा इन एप, देन इट गोज टू देयर सर्वर, नाउ बोथ हैव सेम इंफॉर्मेशन, इट वर्क्स इन अदर वे, यू गेट एन एसएमएस, आई होप यू आर क्लियर, परफेक्ट है, डी सही है, नहीं समझ में आया तो बोलना, ओके गॉट इट। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट स्टेशन नहीं है, आईसीआई कंफ्यूज जरूर करेगा, ए सही नहीं है, कौन सा सही है, सी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस AEPS, एक आधार ही बनेगा भारत का आधार, आधार नंबर से आप फ्यूचर में पैसे भेज सकते हो और ले भी सकते हैं, ये फ्यूचर में आने वाला है, इसीलिए मोदी साहब ने बोला है आधार बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई है कोरोना की वजह से, आई होप इजी। विच इंस्टेंस ऑफ सास, सास वाली वो नहीं है, सास में तेरी, वो सास नहीं है, दूसरा है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अलाउज अस टू यूज गूगल मैप, पेरोल, क्रेडिट कार्ड, देखो गूगल मैप है, पेरोल है, क्रेडिट कार्ड के काम है, ये कौन सा है, तो ये API एज अ सर्विस है, कोई टेस्टिंग थोड़ी है, ये कम्युनिकेशन थोड़ी है, व्हाट्सएप आएगा उसके अंदर, तो डेटा भी नहीं है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आप यूज कर सकते हो आज भाड़े पे, आपको सॉफ्टवेयर पूरा एज अ सर्विस मिलेगा, सास सॉफ्टवेयर वो लोग बनाएंगे, यूज आप कर रहे हो तो आपको API मिल रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इसके अंदर डिटेल में जाऊंगा तो टाइम लगेगा, अगर डाउट है तो बताइएगा, मैं जरूर जाऊंगा, ओके एंड के अंदर, आई होप क्लियर है, ओके नेक्स्ट। SSI नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दो, SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर, आई होप क्लियर है, ये सही जवाब है, ए इज करेक्ट, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको, एक मिनट बता देता हूं, HTTP प्लस SSL इज इक्वल टू HTTPS, ये देखिए सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आज आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है ना, ओके तो HTML में ही कर सकते हैं, तो HTML को लाने वाला है HTTP, इट इज अ प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट एंड व्यू HTML वेब पेजेस, आज जितने भी वेब पेज है वो HTML में होते हैं, उनको देखने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP, बट वो सिक्योर्ड नहीं था, इसीलिए SSL सर्टिफिकेट आया, इट इज अ सर्टिफिकेट टेकन बाय दोस कंपनीज हु हैव ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अगर आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं ना क्रेडिट और डेबिट कार्ड के, ओके तो आप SSL प्रोटोकॉल ले सकते हैं, ये प्रोटोकॉल से आपका पूरा डेटा एनक्रिप्ट हो जाएगा, ताकि जब जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा कोई डेटा देख नहीं पाएगा, ओके और पूरा डेटा सिक्योर्ड हो जाएगा, बट ये वही कंपनीज लेती है जिनके पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ओके तो जिनके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो ये प्रोटोकॉल लेती है, इसको बोलते हैं SSL, HTTP को मिला SSL का सहारा और बन गया HTTPS का पवित्र रिश्ता। सर ये HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, पहले इंटरनेट सिक्योर्ड नहीं था, अब इंटरनेट में जबरदस्त सिक्योरिटी आई है बिकॉज इंटरनेट को SSL का साथ मिला है, आई होप यू आर क्लियर, ओके ओ आप 12-13 तक पहुंच गए। डैश इज अ लाइब्रेरी विच अलाउज अस टू सी टेक्स्ट वीडियो ऑडियो, सब कुछ देख सकते हैं, कौन सी लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी। सर ये डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, देखो
इसमें एवरीथिंग इज अरेंज्ड. देखो अमेज़न प्राइम क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी, सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड है. मूवीज एक जगह पे, राइट, एंटरटेनमेंट एक जगह पे, फिक्शन शो एक जगह पे, कॉमेडी शो एक जगह पे, ताकि जब चाहिए तब इजी टू कलेक्ट द डेटा, स्टोर, रिट्राइव, डेटा इजीली मिल सके. इसको डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं. ओके, फोकस्ड कलेक्शन ऑफ डिजिटल. आई होप यू आर क्लियर. 13 तो बहुत बहुत इजी होगा. अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ, क्या लिखा है, ई कॉमर्स वेंडर. यूजर इंटरेक्ट कर सकता है. यूजर किसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, प्रेजेंटेशन टाइप. वेरी वेरी इजी, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. ओके, इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि आता है, बताऊं थोड़ा सा. ओके, तो लेट मी टेल यू. देखो आज कोई भी थर्ड पार्टी, जैसे मुझे ब्रिटिश एयरवेज को चेक करना है कि उसमें टिकट्स अवेलेबल है कि नहीं, ओके, या सिंगापुर एयरलाइंस में अवेलेबल है कि नहीं, तो मेक माई ट्रिप में मैंने डेटा डाला, वो सिंगापुर एयरलाइंस में जाएगा. वो कैसे जाएगा, एपीआई द्वारा. सो एपीआई अलाउज मेक माई ट्रिप टू कनेक्ट टू सिंगापुर एयरलाइंस मेन सर्वर, उसको एपीआई बोलते हैं. बहुत डिटेल के अंदर नहीं समझा पा रहा बिकॉज वी हैव लेस टाइम. कौन सा बीवाईओडी का थ्रेट नहीं है, तो आपको बीवाईओडी के थ्रेट्स याद होंगे, मेमोरी टेक्निक थी उसकी. इंडिया, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया, इंडिया इंप्लीमेंटेशन रिस्क, नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, और लास्ट कौन सा था, एप्लीकेशन रिस्क. एफिशिएंसी रिस्क नाम का कोई रिस्क होता नहीं है. आई होप यू आर क्लियर, पक्का 100%. ओके, तो एफिशिएंसी रिस्क नाम का कोई रिस्क नहीं है. 15 में डी, सी गलत जवाब है. व्रतिक सी बोल रहे, डिवाइस रिस्क, अरे डेटा चोरी हो सकता है ना, कंप्यूटर चोरी हो गया तो डेटा भी गया. एम्प्लॉय, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, एम्प्लॉय का लैपटॉप जाएगा, आपको बहुत दर्द होगा बिकॉज आपका डेटा था. आई होप यू आर क्लियर. ओके, वेब थ्री के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो, सिमेंटिक वेब, वेब सर्विसेज, सिमेंटिक और वेब दोनों होते हैं. विच वन इज नॉट अ रिस्क ऑफ एआई, एआई का रिस्क कौन सा नहीं है, तो तीन रिस्क थे एआई के, टी डी एस आपको याद होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट मे किल ह्यूमन स्किल ऑफ थिंकिंग द अनथिंकेबल, इंसान कुछ नया नहीं सोच पाएगा बिकॉज वो कंप्यूटर्स पे इतना डिपेंडेंट है. इनकरेक्ट डेटा से आएगा इनकरेक्ट, क्या बोलो, डिसीजन. ओके, डेटा गलत तो डिसीजन भी गलत. और एस कौन सा है, सिक्योरिटी रिस्क. टाइम रिस्क नाम का कोई रिस्क होता नहीं है. आई होप यू आर क्लियर. 17 के अंदर टाइम रिस्क नाम का कोई रिस्क नहीं है, इंसान कुछ नया नहीं सोच पाएगा. ओके, सिक्योरिटी रिस्क के अंदर वो बहुत डिपेंडेंट है, डेटा गलत डालेंगे मशीन्स के अंदर. ओके, जैसे मेडिकल सॉफ्टवेयर है, डेटा गलत, दवाई गलत ही देगा ना वो. आई होप यू आर क्लियर. ओके, स्पीड बराबर है, हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे, इज इट ओके. 16 वाला समझाओ, 16 वाला समझाओ. इसमें दो ही, वेब थ्री के अंदर दो ही थे, सिमेंटिक वेब और वेब सर्विसेज, तो दोनों आएगा, और कुछ था ही नहीं, दो ही है उसके अंदर. डैश इज अ टाइप ऑफ एआई दैट गिव्स कंप्यूटर एबिलिटी टू लर्न ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्रोग्राम. देखो एआई के दो बच्चे हैं. नंबर वन, आप ऑटोमेटिक सीखो बिना प्रोग्रामिंग करे तो वो क्या है, मशीन लर्निंग. सिखाना पड़े तो क्या है, विदाउट मशीन लर्निंग. ओके, देखो एआई में दो है, विथ एमएल, विदाउट एमएल. अगर आप ऑटोमेटिक ही सीख जाओ बिना प्रोग्रामिंग करे, दो टाइप के बच्चे होते हैं. एक बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, सब कुछ सीखते ही रहता है फास्ट फास्ट, तो वो क्या है, लर्निंग वाला बच्चा. और जिसको सिखाना पड़े, कोडिंग करना पड़े, वो क्या है, विदाउट एमएल. खाली एआई या एआई विद एमएल. आई होप यू आर क्लियर. कौन सा मोबाइल कंप्यूटिंग का बच्चा नहीं है, वेरी इजी है. तो मोबाइल कंप्यूटिंग के तीन कंपोनेंट्स थे, सबको आता होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. तो डेटाबेस नाम का कोई नहीं है, ये बहुत इजी है. ओके, 19 का डी, आई होप यू आर क्लियर. स्पीड बराबर है हमारी, परफेक्ट, इंक्रीज करो स्पीड. ओके ओके कर रहे हैं साहब. सांस में तेरी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सांस मिली तो. अब बहुत इजी है, अरे बहुत आसान है, अब टेंशन मत लो, 5-7 मिनट में खत्म कर देंगे. ओके 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 ओके. डैश इज अ क्लाउड यूज बाय स्पेसिफिक कम्युनिटी, कुछ ही कम्युनिटी के लोग यूज कर सकते हैं, तो कम्युनिटी क्लाउड.
जैसे सब हॉस्पिटल्स आ गई साथ में डेटा शेयर करने के लिए, कौन सा क्लाउड है? कम्युनिटी क्लाउड। ओके, उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं एक साथ, हम हमारा डेटा एक साथ रखेंगे, क्लाउड। कोरोना से जितने देश अभी संकट में जूझ रहे हैं, कोरोना का पूरा डेटा साथ में रखेंगे, कम्युनिटी क्लाउड। आर यू क्लियर? डैश आर लेस सिक्योर, सबसे लेस सिक्योर कौन सा है? पब्लिक, बिकॉज पूरे सबका डेटा अंदर ही है, तो क्या कोई देख सकता है? यस सर, कम्युनिटी भी लेस सिक्योर है, बट उसके अंदर कम्युनिटी वाले लोगों का ही है, वो कोरोना के जितने उतना ही है, इसमें तो पूरा देश का डेटा है, तो पब्लिक इज ऑफकोर्स लेस सिक्योर। तो सर प्राइवेट क्यों नहीं लेते? कॉस्टली है ना बहुत। क्लियर है? ओके, वेरी गुड, बहुत ही सही जवाब आ रहा है प्रवीण, नफीस, रिया, मनीषा, व्रतीक, सृष्टि, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अद्भुत जा रहे हैं हम, वेरी नाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग, बने रहिए। जिसने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना एक बार, हौसला बुलंद रहेगा हमारा। डैश लाइज इन पार्टिशनिंग विच डिवाइड्स अ सिंगल फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल लॉजिकल सर्वर, एक के बहुत सारे टुकड़े करना, जोड़ो और तोड़ो, वर्चुअलाइजेशन बहुत आसान है। देखो पहले के जमाने में मुझे 10 सर्वर लेने पड़ते थे, अब ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, जितने ऐप उतने सर्वर। मेरे पास 10 ऐप थे ना, वेबसाइट का अलग ऐप, उसके बाद एप्लीकेशन का अलग ऐप, ओके, हर चीज के लिए अलग अलग ऐप लेने पड़ते थे, अब जरूरत नहीं है। एक सर्वर के अंदर मैं मल्टीपल टुकड़े कर सकता हूं एक सॉफ्टवेयर लगा के, जिसका नाम है वीएम। वी कैन डिवाइड वन सर्वर इनटू वेरियस पार्ट्स, ओके, और हर पार्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। ईच वर्चुअल मशीन कैन रन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, ओएस एंड मेमोरी। आई होप यू आर क्लियर। मैं क्या और समझाऊं 23 को, 23 को समझाऊं, 23 मुझे थोड़ा समझाना है, मुझे लग रहा है बहुत लोगों को नहीं भी आता होगा। ये देखिए, पहले क्या होता था, सर्वर, ओएस और ऐप। तो मेरे पास 10 ऐप है तो मुझे 10 सर्वर लेने पड़ते थे। अब क्या हुआ, सर्वर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है वीएमवेयर। वीएमवेयर की वजह से क्या है, ओएस 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 ऐप ऐप ऐप। अब क्या है, नाउ वी कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशंस इन वन सर्वर, ओके, और हमें एक ही सर्वर के अंदर कॉस्ट बहुत बचेगा, ओके। तो ये वीएम वर्चुअलाइजेशन था। आई होप यू आर क्लियर, मुझे लग रहा था आपको नहीं समझ में आएगा इसीलिए, ओके। तो डिवाइड कर सकते हैं एक सर्वर को मल्टीपल टुकड़ों में, उन टुकड़ों का नाम क्या होता है, वीएम वर्चुअल मशीन। आई होप यू आर क्लियर, ओके। डैश इज अ आइडिया वेर वी नाइदर नीड स्मार्टफोन नॉर नीड इंटरनेट, कुछ नहीं चाहिए, खाली हौसला चाहिए। यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा और टेक स्टार 99 हैश, ऐसा कुछ हुआ करता था आपको याद आ रहा होगा, ओके। इस नंबर से आपको ना इंटरनेट चाहिए ना स्मार्टफोन चाहिए, आप यूपीआई चला सकते हैं। देखो यूपीआई के पास इंटरनेट है तो आप भीम यूज कीजिए, ऑफलाइन तरीके से करना है तो यूएसएसडी। नेक्स्ट, खत्म ही होने आया सब। विच इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट की 3 ट्रेडिशनल मेथड थी, कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट, कौन सा नहीं है? चेक। चेक कोई डिजिटल पेमेंट की मेथड थोड़ी है, आर यू क्लियर? चेक तो फिजिकल मेथड है। आईटी एक्ट कौन से साल में पास हुआ था? 2000 के अंदर, इजी है। ग्रिड वर्सेस वर्चुअलाइजेशन का डिफरेंस है, ओके, तो ये तो मैं बता सकता हूं बट बहुत टाइम लग जाएगा, बाकी लोग बोल रहे थोड़ा फास्ट पढ़ो। एनआईएसटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। ये कौन है? ये एक यूएस का इंस्टीट्यूट है जो इनोवेशन को प्रमोट करता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करता है। इसने हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मॉडल लाए थे, आस, पास, सास। ओके, तो ये 3 मॉडल लाने वाला कौन है? एनआईएसटी। इसका फुल फॉर्म याद रखना, शायद आपको नहीं आता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। आई होप यू आर क्लियर, ये 27 याद रहना चाहिए आपको। डैश इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ डेटा, डेटा इंटरचेंज, डेटा इंटरचेंज, डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है, पर उसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, ओके। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड, तो क्लाउड की टेक्निक आपको आती होगी, जो हमारे बच्चे होंगे, ऑसम रे पप,
O for on demand, S for scalability, M for multi-tenancy workload movement, multi-tenancy workload movement, R for resiliency. पप्पू क्या था? Pay as per use. Are you clear? Okay. तो pay as per use है, on demand है, multi language support. ये कोई सही जवाब नहीं है. ये XBRL की characteristic है, तो आप D को टिक कर दो. Cloud की नहीं. Cloud जब चाहिए तब मिलेगा. Pay as per use है, multi tenancy. और आखिरी सवाल आज का, आखिरी सवाल, which is not a risk of e-commerce. कौन सा e-commerce का risk नहीं है? Normal risk है. Quality issue तो e-commerce में भी आता है. मंगाया कुछ, आया कुछ. सोनाक्षी सिन्हा ने ईयरफोन मंगाया, बॉस के हेडफोन मंगाए थे, और उसको कुछ तो बलते ही कुछ आ गया था. एक तो कुछ सैंपल टुकड़ा आ गया था, लोहे का खिलौना आ गया था ईयरफोन, तो उसने कंप्लेन किया. तो क्वालिटी इश्यू हो सकता है. डिलीवरी इश्यू तो ऑफकोर्स होता है ई कॉमर्स के अंदर. अब्रॉड से आप गुड्स मंगाओ तो टाइम पे नहीं आते. आजकल तो भारत में भी सब कुछ बंद है लॉकडाउन की वजह से. सिक्योरिटी और क्रेडिट कार्ड, हाँ आपका डेटा देख सकता है, कोई क्लोनिंग हो सकता है. तो रॉ मटेरियल का इश्यू कोई ई कॉमर्स का रिस्क नहीं है, ये नॉर्मल दुनिया का रिस्क है. ओके, रॉ मटेरियल इश्यू सही जवाब है, बिकॉज रॉ मटेरियल इश्यू इज नॉट अ रिस्क ऑफ ई कॉमर्स, इट इज अ नॉर्मल रिस्क. ओके, आई होप यू आर क्लियर. इसी के साथ एमसीक्यू सेशन आज का होता है समाप्त. आई होप यू एंजॉय. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.